आपके सामने दे सकते हैं, लेकिन वीडियो कॉल के बारे में आपको ऐसी बात बताऊंगा जिसके बाद आप इस बात पर ध्यान देगो तो अगर आप चाहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस लायक बना सकते हो कि हम भी कुछ कर सकें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप किसी के साथ वीडियो कॉल करते हो तो वो सेफ है या नहीं। तो जैसे कि थंबनेल में मैंने आपको बताया था वीडियो कॉल सेफ है या नहीं, तो इससे साफ जाहिर है कि आप किस तरीके की वीडियो कॉल करते हो तो वो सेफ है या नहीं। ठीक है, आप नॉर्मल जो वीडियो कॉल करते हो, अपने भाई से बात कर रहे हो, अपनी मम्मी से बात कर रहे हो, अपने पापा से बात कर रहे हो, वीडियो कॉल पर बहन भाई से किसी से भी बात कर रहे हो, तो उससे किस तरीके की वीडियो कॉल करोगे वो नॉर्मल से जो वीडियो कॉल होती है उसे कोई अगर बंदा देखेगा भी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक जो चीप और वीएप की जो वीडियो कॉल होती है वो थोड़ी प्राइवेट वीडियो कॉल हो जाती है और उसको अगर कोई देख ले तो हमें थोड़ा पछताना पड़ सकता है। अब बात ये आती है कि भाई वीडियो कॉल तो वीएप और जीएप के बीच होती है तो वो सेफ कैसे नहीं होगी, क्योंकि दोनों बंदों के अलावा तो कोई और तीसरा हमको देख नहीं रहा है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि व्हाट्सएप पर तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन, क्या कहते हैं, इंक्रिप्शन, ठीक है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन तो मिलता है व्हाट्सएप पर, का कोई भी दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएप की तरफ से कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हो 100%। एंड व्हाट्सएप के अलावा अगर आप कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज करते हो तो उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अब व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप पर भी वीडियो कॉल सेफ नहीं है। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ, तो वीडियो कॉल व्हाट्सएप पर सेफ नहीं है, सिंपल सा काम है। ये मान के चलिए आपने मान के चलिए किसी ने कभी ना कभी कोई ऐसी वेबसाइट तो देखी ही होगी जिस पर ढेरों वीडियो कॉल्स देखने को मिल जाती है इस तरीके की। ठीक है, आप सर्च करोगे तो उसमें वीडियो कॉल में काफ़ी सारी वीडियो कॉल देखने को मिल जाती है। अब ये आपके दिमाग में आया हो या ना आया हो, पर ये सवाल मैं अभी आपको बताता हूँ कि मान के चलिए जो वीडियो कॉल जिस भी बंदे या बंदे की है वो खुद तो उस वीडियो कॉल को वहाँ पर शेयर नहीं करेगा। कहाँ पर शेयर नहीं करेगा, उस वेबसाइट पर, बट फिर भी वहाँ पर वो वेबसाइट पर पहुँच गई तो कैसे पहुँच गई, जबकि ना तो वो बीएफ चाहेगा कि उसकी जो वीडियो कॉल है वो कहीं और जाए, ना जीएफ चाहेगी कि, ना लड़की चाहेगी कि उसकी जो वीडियो कॉल है वो कोई बंदा देखे फालतू, जबकि वो वीडियो कॉल हमें कहाँ मिल रही है, किसी भी अननोन पर्सन की जो वीडियो कॉल होती है वो कहाँ मिल रही है, किसी वेबसाइट पर। तो ये कैसे हुआ, तो ये सिंपल सा इसका एक रीज़न है कि जो आप वीडियो कॉल कर रहे हो, जब भी आप वीडियो कॉल कर रहे हो तो सामने वाले बंदे ने या फिर आप खुद ने, या तो आपने या सामने वाले बंदे ने वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। किस लिए रिकॉर्ड कर लिया, कि ये वीडियो कॉल है मैं वैसे ही इसका इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि वैसे ही इसका देखने के लिए खुद के लिए रख लेता हूँ, दोनों में अच्छे रिलेशन है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वीडियो कॉल को अभी रिकॉर्ड करके रख लिया, बाद में जब याद आती है या फिर जो भी होता है यार वो आप देखने के लिए रख लेते हो। ठीक है, अब बाद में क्या होता है, कभी ना कभी तो किसी ना किसी वजह से आपका झगड़ा हो जाएगा या फिर कुछ भी हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, उसी ब्लैकमेल का, उसी जो वीडियो कॉल का होता है ना जो आपने रिकॉर्ड करके रखी है उसका ये आप खुद ना चाहते हो, जबकि आपने रिकॉर्ड की थी तब ये नहीं सोचा था कि मैं इसका इस तरीके से मिसयूज करूंगा, लेकिन जब आपके पीछे लड़ाई हो जाएगी तो आप मिसयूज करोगे। अब भाई बंदा ये सोचता है कि मैं वीडियो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, सामने वाले बंदी भी या फिर बंदा भी वीडियो कॉल रिकॉर्ड नहीं कर रहा है, तो देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बताता हूँ कि बंदे या फिर जो भी बंदा है, आदमी खुद का भरोसा नहीं कर सकता है कि आगे चल के क्या होगा, तो उस सामने वाले बंदे पर कैसे यकीन कर सकते हो कि वो वीडियो कॉल रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, मैं मान रहा हूँ कि भाई वीडियो कॉल को इस्तेमाल, वीडियो कॉल करने के लिए अच्छी बात है, वीडियो कॉल करना भी चाहिए, लेकिन किस बंदे से कर रहे हो, किस तरीके के कर रहे हो वो ध्यान रखना चाहिए। वीडियो कॉल अगर नॉर्मल वीडियो कॉल करो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए, बट अगर ऐसी वैसी कोई उल्टी सीधी वीडियो कॉल करते हो तो वो तो मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और बाकी आप खुद होशियार हो, आगे चल के होशियार हो जाओगे। एक एग्जांपल मैंने काफ़ी अच्छा दे दिया आपको कि वेबसाइटों पर जाकर देख लीजिए, आपको ढेरों वीडियो कॉल्स मिल जाएंगी, तो आप भी उनमें शामिल नहीं होना चाहोगे। क्या होता है कि कभी कभी गुस्से में आदमी जो नहीं करना चाहता है ना वो भी कर जाता है, तो सोच समझ सकते हो आप वीडियो कॉल किस तरीके की करनी चाहिए, किस तरीके की नहीं करनी चाहिए। जस्ट वीडियो कॉल का तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एंड अगर कोई अदरवाइज दूसरे भी फोटोज वीडियोज वगैरह भी होते हैं तो ज़्यादा सतर्क रहे, दोनों के लिए अच्छा रहेगा, लड़की के लिए भी, लड़की के लिए भी, लड़के की भी लिए भी। भाई मेरी एज भी सेम ही है, तो मैं भी यार खैर ज्ञान बांट रहा है, खुद पर कंट्रोल नहीं है चाहे।